नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आप भारत में आपका स्वागत करती हूँ। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच आया है आप भारत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। डोमचर्च प्रखंड के सभी पिकनिक स्पॉट पर काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने बड़े धूमधाम से स्वागत किया। बेगूसराय गांधी स्टेडियम का होगा जीर्णोद्धार, गिरिराज सिंह। बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ के द्वारा गांधी स्टेडियम में आयोजित बेगूसराय प्रीमियर लीग की उद्घाटन बेगूसराय सांसद सह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। जरिया के चासनाला लेखागार के समीप स्थित BCKU कार्यालय में संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता BCKU के योगेंद्र महतो व संचालन BCKU के शाखा अध्यक्ष सुंदरलाल महतो ने किया। आगामी 3 जनवरी से होने वाली श्री राम कथा को लेकर धनबाद के सिंदरी में प्रभु श्री राम कथा आयोजन समिति सिंदरी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई। LIC ने किया मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित। धनबाद के सिंदरी स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। दुमका वासुकीनाथ में करंट दौड़ने से हुई पुजारी का वीडियो आया सामने, किस तरह मौत हुई थी पुजारी की। 5 जनवरी को भाकपा माले का प्रतिवाद मार्च। राजा द्वारा आहूत 21 दिसंबर के बिहार बंद के दौरान औरंगाबाद में बंद की समाप्ति के उपरांत RSS भाजपा के स्थानीय नेताओं के उकसावे पर वहां के अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके का बर्बर पुलिसिया दमन किया गया, जिसमें एक 17 वर्षीय अमीर अंजना की हत्या कर दी गई। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश बिलियन मरांडी प्रखंड पर पंचायत भवन पर पहुंचकर बुजुर्ग महिला एवं पुरुष को कमल वितरण किया है, जिसमें BDO पंकज कुमार रवि एवं थाना प्रभारी लिट्टीपाड़ा मुखिया उपस्थित थे और विधायक महोदय नया साल की सभी को आशीर्वाद दिया। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर चतरा और उपायुक्त ने की बैठक। विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायक संजीव सरदार द्वारा आभार यात्रा के माध्यम से रोड शो द्वारा लोगों से मिले और मतदाताओं को अपने महत्वपूर्ण मत देकर विजय बनाने के लिए आभार प्रकट किया। कोडरमा जिले में बेमौसम वर्षा व ठिठुरन भरी ठंड से जनजीवन प्रभावित। जिले में एक ओर सर्दी का सितम तो दूसरी ओर बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों के साथ नए साल का आगमन से जिले में पूरी तरह जनजीवन बेहाल है। शिक्षित बेरोजगार युवा मंच पाकुड़ के अध्यक्ष अमरदीप गोस्वामी के अध्यक्षता में शुक्रवार को शिक्षित बेरोजगारों की एक बैठक महेशपुर +2 हाई स्कूल मैदान में आयोजित की गयी। प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं की मासिक बैठक वरीय महिला पर्यवेक्षिका कंचन मार्गरेट मालवा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। डोमचर थाना क्षेत्र के काराकोट निवासी प्रदीप यादव 26 का शव 1 जनवरी को बगड़ो पंचायत के भैरवा टांड के एक कुआं से मिला। शव मिलते ही डोमचर्च पुलिस शव को कोडरमा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सह चतरा विधायक श्री सत्यानंद भोक्ता का आज चतरा जिला में आगमन पर उपायुक्त श्री जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया एवं बधाई दी गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल आप भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज आप भारत पर भी लाइव खबरें देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए RP भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। RP भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।